दोस्तों अगर आपके दोस्त के या फिर आपके मोबाइल में सेटिंग्स में लगा है ऐप लॉक, यहाँ पे देख सकते हो। जी हाँ, आप बातों के हमारे ध्यान से सुनिए। अगर सेटिंग में लगा है ऐप लॉक और आप उस ऐप लॉक को खोलना चाहते हैं यानी कि तोड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मैं इसका पासवर्ड नहीं जानता हूं और ये सेटिंग में ऐप लॉक लगा है, ये हमारे दोस्त का फोन है और मैं चाहता हूं कि इसका जो ऐप लॉक है वो बाईपास कर लूं। दोस्तों पहले मैं एक और वीडियो बनाया था इसके ऊपर और उसमें आपको बताया था कि आप उसके सेटिंग्स में जाकर जिस एप्लीकेशन से वो लॉक लगा है उसे आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए, तो वो जो है वो एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगा और आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। बट यहाँ पे हालांकि किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सेटिंग्स में तो जाना जरूर ही पड़ेगा, तो ऐसे में सेटिंग्स ही लॉक रहेगा तो आप उसे ऐप लॉक को कैसे आप बाईपास कर पाओगे। तो हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप बगैर सेटिंग्स का लॉक जाने, पासवर्ड जाने, आप सेटिंग्स का ऐप लॉक जो है वो खोल सकते हैं। तो कैसे ये करना है, तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अपने अनुभव के साथ इस ट्रिक को लाया हूँ, बहुत सर्च करने के बाद हमें एक ट्रिक मिला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप मुझे देख रहे हैं ट्रिकर अमित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपने फ़ोन को एक बार उस जो भी आपका फ्रेंड है उसका फ़ोन को आपको स्विच ऑफ कर देना है और स्विच ऑफ करने के बाद उस फ़ोन को फिर से आपको रीस्टार्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उस फोन में जो भी ऐप लॉक लगा है उस ऐप लॉक वाले एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए ऐप लॉक है, मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ओके पे आपको प्रेस कर देना है। हालांकि मैं चलिए इस पर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे इस फोन में जो भी ईमेल आईडी रहेगी वो चला आएगा, आपको उसे वेरीफाई करना होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने दूसरे फोन में, यानी कि आपके पास एक और फ़ोन है अपने इसी तरह के कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें भी आप ये ऐप लॉक को डाउनलोड करिए और एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए और आप अपने ईमेल आईडी जो है उससे आप रजिस्टर कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, तो दोस्तों आपको पता नहीं कि ये ईमेल आईडी किसका है और पासवर्ड भी आपको इसका मालूम नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक अदर ऑप्शन दिख रहा होगा, इस अदर ऑप्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सेंड द कोड टू जो सिक्योरिटी ईमेल, इस ईमेल आईडी जो है इसके ऊपर एक कोड जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंड टू सिक्योरिटी ईमेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है और इसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड आपको डालना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका ये ईमेल आईडी है ही नहीं, आपका दोस्त का है, तो उसके ईमेल आईडी पे ये मैसेज गया होगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि बगैर उस पासवर्ड को भी आपको कैसे खोलना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो देख रहे हैं तो इसको आपको लॉन्ग प्रेस किए हुए रहना है और डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और जैसे ही मैं अपने सेटिंग्स में जाता हूँ आप देख सकते हो तो इस फोन का सेटिंग्स का ऐप लॉक जो है वो खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये खुल गया है ऐप लॉक। तो हालांकि इसी तरह से आप भी किसी भी फोन में, एंड्रॉयड फोन में आपके दोस्त का हो या फिर खुद का हो, तो इसी तरह से आप भी ऐप लॉक को खोल पाओगे, बाईपास कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करना, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो हमारी वीडियो में कमेंट जरूर करना और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करते जाइए, इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियो अपने यूट्यूब पे पाते रहिए। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।